गाइस, अब हम लोगों की राइड फिर से शुरू हो गई आज दिन की। आज तीसरा दिन है, नहीं आज चौथे दिन की राइड है। और आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया के लास्ट विलेज माना गांव। और सामने व्यू आप देखिए, पहाड़ों से भरपूर व्यू है, गजब का व्यू है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं माना गांव, दिखाते हैं अपने आँख से, मेरी आँख से, मेरे कैमरे के व्यू से आप देखिए माना गांव। और प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, कैसा लग रहा है वीडियो और ब्लॉग आपको ज़रूर बताएं। इधर भी ऑफ रोडिंग चालू हो गई है, होटल से निकलते ही हम लोगों ने गाड़ी अपनी बाइक सब ने वार्म अप की और उसके बाद फिर हम चल पड़े अपनी राइड के लिए। तो चलिए माना गांव ले चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं हम। तो स्वागत है आपका इंडिया के लास्ट विलेज सीमांत धाम। सो ये टाइम है फाइनली माना गांव को बाय बाय कहने का। एक्चुअली क्या था ना कि माना गांव के लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे जहां पे वो बोर्ड होता है ना माना गांव का, वहां तक ही हम सिर्फ जा पा रहे हैं। और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने आगे रास्ता बंद कर रखा है और वो अपने गाँव में एंट्री नहीं दे रहा है। तो ये हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि माना गांव के दर्शन नहीं हो पाए हम लोगों को। तो वहाँ से अब निकले हैं, एक ये वाटर क्रॉसिंग मिली है, सोचा जा रहा है कि यहाँ रुक के थोड़ा हाथ पैर धो लिए जाए और फिर आगे चलते हैं। व्हाट अ व्यू! माना गांव से हम लोग जब वापस आ रहे थे तो ये हम लोगों को एक रास्ते में ऐसा मिला है व्यू, तो काफी खूबसूरत लग रहा है। फिलहाल हम यहाँ पर रुके हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि आगे सुना शायद बारिश हो रही है, तो लोगों ने कहा कि रुक जाते हैं और यहाँ रुके हैं हम। ओ माय गॉड, व्हाट अ सीन! ओ भाई साहब, क्या व्यू है यार! सामने तो ऐसा लग रहा है पहाड़ पे वो सोना टिकला पड़ा हुआ है। मतलब उत्तराखंड फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ व्यू, फुल ऑफ मस्ती, सब कुछ है उत्तराखंड में। तो देख रहे हो आप, यहाँ पे रोड भी खराब है लेकिन उसमें भी एडवेंचर जैसी ही फीलिंग आती है। बेहतरीन व्यू। ये 4 लेन हाईवे पूरा बन रहा है और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ये रोड हैं, 4 धाम को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया अभी चालू है। बेहतरीन व्यू, ये जहाँ रोडें अच्छी हैं तो मन करता है गाड़ी भगा लो यहाँ पे। देख रहे हैं, वाह मज़ेदार रोड है भाई साहब, मज़ेदार, मज़ा आ रही है। राइडिंग का असली मज़ा तो इन्हीं सब में आता है, थोड़ी ऑफ रोडिंग, थोड़ी अच्छी रोड, थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा हाई रिस्क रोड, व्हाटएवर जो भी है, सब कुछ एकदम बेहतरीन वाला है। मज़ा आ रही है भाई साहब मुझे। आप व्यू का आनंद लो, मैं राइडिंग का आनंद लेता हूँ। ज़रा थोड़ा ऑफ रोडिंग कर ली जाए, थोड़ी भगा वगा ली जाए गाड़ी, मज़ा आ जाए कुछ। नहीं भाई, भगाने वगाने जैसी कोई प्लानिंग नहीं है, वो तो मेरे से वैसे ही बोल दिया, हम भगा नहीं रहे गाड़ी को, हम चलेंगे आराम आराम से ही। बस व्यू का आनंद लेने का मूड है और आनंद लेते चल रहे हैं। गाड़ी वाड़ी भैया आप लोग भी भगाना वगाना नहीं, हमारे कहने पे मत जाना कि गाड़ी भगा वगा लें ना। गाड़ी भगाना गंदी बात है, भगाओ, लेकिन एक्सप्रेस वे आपको मिले तब भगाओ। और वैसे तो आप नॉर्मल चलो, व्यू का मज़ा लो, राइडिंग का मज़ा लो, राइडिंग गियर्स पहनो, सारी चीज़ें पहन के। भैया घर पर भी कोई है, घर पर इंतज़ार करते हैं लोग, इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ में भेजा जाता है हम लोगों को। यस, जा रहे हो तो सही सलामत वापस आना, कोई दुर्घटना और ये सारी चीज़ें ना हो, यही है भैया। यहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड जैसा हो गया है तो पिछले आधे घंटे से हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। ये व्यू कुछ अच्छा मिल गया है, यहाँ पे पहाड़ भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बस इतना बड़ा पत्थर, ये जो आप पत्थर देख रहे हो ना, यही शायद गिरा है और JCB और वो आते हैं ना जो सब इनको हटाने की कोशिश में है, जाम बहुत लंबा लगा हुआ है। तो यही रुके हुए हैं, फिर आगे चलते हैं। ये जो आप मेरे राइट हैंड में देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से आ,
ये कोई डैम है और यहाँ पे ये लाइट का कोई प्रोजेक्ट है और शायद ये जेपी ग्रुप वालों का है, क्योंकि आधे टाइम मैंने देखा था यहाँ पे जेपी ग्रुप के काफ़ी ज़्यादा नाम और बोर्ड लगे हुए थे, तो शायद ये उन्हीं का है और यहाँ रुकना मना है, यहाँ चित्र खींचना फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड हियर, नो फोटोग्राफी नो स्टॉपिंग, यही सब है। तो ये है वो, मैं अब यहाँ पे कैमरा बंद करूँगा, अगर किसी ने देखा तो कुछ आफत ना हो।